अंगद बहुत ही परेशान था। अपनी बेटी सृष्टि को ढूंढने के लिए उसने कोई बाजार कोई चौराहा नहीं छोड़ा, लेकिन अभी भी वो उसे मिल नहीं पाई थी। और इस तरफ सृष्टि चुपचाप वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। उसने उस खोपड़ी को दूर जंगल में फेंक दिया और अपने घर पहुंच गई। सृष्टि बेटा, तुम कहां गई थी? पता है तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं? तुमको ढूंढने निकले हैं और अभी तक नहीं लौटे। अम्मी, हम आपको बता कर तो गए थे, अब्बू तो बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। जब वो आ जाए तो आप उन्हें भी इत्तला कर दीजिएगा कि हम घर लौट चुके हैं। वो अपने कमरे में गई और फिर चुपचाप सो गई। सृष्टि पर जरूर किसी का साया है, वो ऐसे अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? हमें अम्मी अब्बू बोलना, सलवार कमीज पहनना और ऊपर से उसके मुंह से मांस मच्छी की स्मेल भी आ रही थी। नया शहर है, नई जगह है, मदद ले भी तो किससे ले? सुबह गुंजन ने पूजा की तो सभी परिवार के लोग उसमें शामिल हुए, लेकिन सृष्टि अपने कमरे में बैठी हुई थी। रात को जब सभी हॉल में बैठे हुए थे, तभी उन्हें किसी की दुहाई सुनाई दी। हे ऊपर वाले, ये कैसे हो गया? कौन कर सकता है ऐसा? ये आवाज तो घर के पीछे से आ रही है। वो तीनों घर के पीछे खुलने वाली बालकनी में गए। उसी सफेद सलवार कमीज वाली औरत के साथ एक मौलवी साहब को देखा। सिर्फ आज ही मैं उसे उसकी असली दुनिया में वापस भेज सकता था, और तुम कह रही हो कि तुम्हें पता नहीं कि उसे किसने आजाद किया? मैं परसों खुद यहाँ आई थी और उस वक्त वो ताबूत के अंदर ही था। अगर तुम्हें नहीं पता तो बताओ कौन होगा जो यहाँ आया होगा? ये सुनकर मोहित थर थर कांपने लगा। मोहित, क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मम्मी, सृष्टि दीदी और मैं इस घर के अंदर गए थे और वहाँ पर हमारे साथ बहुत अजीब और डरावना हादसा हुआ था। अब मोहित ने सारी बात अंगद और गुंजन को बता डाली। ओह माय गॉड, चलो गुंजन, हम अभी जाकर इनसे बात करते हैं, ये चले गए तो पता नहीं हमारी सृष्टि का क्या होगा। अंगद के कहने पर वो तीनों ही घर के पीछे वाली उस कोठी पर गए। वो मौलवी साहब और वो औरत वहीं पर खड़े थे। जी आप लोग जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वो हमारी बेटी सृष्टि है। ये सामने वाला घर हमारा है और हमारी बेटी सृष्टि उस कमरे में गई थी जिसके अंदर वो ताबूत रखा था। एक कुंवारी लड़की, ये तो कयामत हो गई। आप प्लीज हमें डराइए नहीं और बताइए कि आखिर ये सब है क्या? मेरा नाम शबाना है और जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पिछले साल की है। मैं यहाँ पर मेरे परिवार के साथ रहती थी, मेरे शौहर साजिद और मेरी एक बेटी सना। सना हमारी इकलौती बेटी थी, इसलिए हमारी बहुत लाडली थी। वो बेहद खूबसूरत थी और उसके बाल भी बहुत लंबे थे। शाम होने पर रोजाना वो अपने बालों को खुला रख कर सामने वाले बाग में टहलने जाती थी। सना बेटा, एक तो अपनी मनमानी करके पार्क में टहलने जा रही हो और ऊपर से बाल भी खुले रखकर। कुंवारी खूबसूरत और लंबे बाल वाली लड़कियां अगर शाम के वक्त अकेले में घूमने निकले तो उन पर इफ्रित आशिक हो जाता है। अब ये इफ्रित कौन है अम्मी? जिन कई तरह के होते हैं, उन्हीं में से एक होता है इफ्रित जिन, जो लड़कियों के खुले बाल को दावत समझ लेता है और फिर वो उस लड़की का आशिक हो जाता है और उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। अम्मी, हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, सही सलामत, कुछ नहीं होगा हमें। वो अकेले घूमने निकली और 2 घंटों के बाद घर लौटी, लेकिन वो पहले से बहुत बदल चुकी थी। वो अकेले ही 5 आदमियों का खाना खाती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, कमरे में अकेले बंद रहती थी और अपने आप से ही बातें किया करती थी। एक दिन हमने इन मौलवी साहब को बुलवाया और इन्होंने सना के ऊपर से इफ्रित जिन के साई को हटाया। हमने ये घर छोड़ दिया और मौलवी साहब ने उसको ताबूत में बंद कर दिया। ताबूत में बंद किया? लेकिन क्यों? ये एक वजीफा था, 1 साल तक के लिए उसे ताबूत में कैद कर दिया था
और उसे हर जुम्मे की रात को एक बकरी की कुर्बानी भी देनी थी। शर्त बस यही थी कि जुम्मे रात के अलावा इस घर के अंदर कोई ना आए, वरना वो ताबूत से आजाद हो जाएगा। तुम्हारी बेटी यहाँ पर आई थी तो उससे ये साफ है कि उसके ऊपर अब वो आशिक हो गया है। लेकिन अगर वो एक जिन है तो वो अभी तक एक लड़की की तरह ही क्यों बर्ताव कर रहा था? वो सिर्फ अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसा कर रहा है, और वो चाहता है कि जो भी सृष्टि के नजदीक है उसको पता ना चले कि सृष्टि पर उसका साया है। बाबा, हमें बताइए कि अब हम सृष्टि को कैसे आजाद कराएंगे। इस तरफ सृष्टि अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। सृष्टि उठी और उसने खिड़की खोली तो एक लड़का सामने खड़ा था। हेलो, मेरा सरप्राइज कैसा लगा जान? वो बस उसे अजीब तरह से देखे जा रही थी। वो लड़का खिड़की के रास्ते से अंदर आया। अरे तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे जानती ही नहीं हो। जानती हो कितने दिन हो गए तुम्हें गले लगाए हुए। उसने झट से सृष्टि को गले लगा लिया। ये क्या बदतमीजी है आपकी? आप हमें इस तरह नहीं छू सकते। अरे मैं तुम्हारा सुशांत हूँ, क्या हो गया तुम्हें? तभी सृष्टि के ठीक पीछे उसे वही इफ्रित जिन खड़ा नजर आया, जो अपनी भयानक आंखों से सुशांत की तरफ देख रहा था। अचानक से इफ्रित सृष्टि के शरीर के अंदर समा गया और उसने सुशांत को गले से लगा लिया। गले लगते ही सुशांत की पसलियां चटकने लगी और उसकी चीख घर के बाहर तक गूंज गई। अरे ये किसकी चीख है? जल्दी चलो। अब ये सभी लोग एक साथ घर के अंदर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर इन सभी का दिल दहल उठा, आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। सुशांत की लाश बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी और सृष्टि आराम से पलंग पर बैठी हुई हंसी जा रही थी। छोड़ दे इस लड़की को इफ्रित। ये कहते हुए मौलवी साहब ने अपने झोले से एक हरे पानी की बोतल निकाली और उस हरे पानी से उसके पेट के चारों तरफ गोला बना दिया। मौलवी तो फिर से आ गया मुझे परेशान करने। इस बच्ची को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए सृष्टि ने आंखें बंद करके कुछ आयतें पढ़ी और वो बेड पर अपने आप हवा में ऊपर उठकर उस गोल घेरे से बाहर निकल गया। मैं तो चला। वो तेजी से वहां से निकल गई। उस कोठी के अंदर उसको कैद करने वाला ताबूत रखा है। अगर उसने उस ताबूत को जला दिया तो हम उसे कभी भी सृष्टि से अलग नहीं कर पाएंगे। जल्दी से वहां जाकर उसे रोको। वो सभी अब भागकर उसी कोठी में पहुंचे, लेकिन वहां अजीब तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं छिपी होगी। सभी ने एक साथ देखा तो ऊपर छत पर सृष्टि किसी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। मैं यहाँ हूँ बेवकूफों। ये कहते हुए वो छपाक से मौलवी पर कूद गई। मौलवी ने हाथ में पकड़ी हुई हरे पानी की बोतल का सारा पानी उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे वो चीखती हुई वहां से उसी ताबूत वाले कमरे में चली गई। ताबूत के ठीक पास एक खिड़की थी और सामने चिमनी में आग जल रही थी। अब देखो, मैं इस ताबूत को तुम्हारी आंखों के सामने खत्म कर दूंगा और उसके बाद तुम में से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहते हुए उसने चिमनी से एक जलती हुई लकड़ी उठाई। तभी जोरों की बिजली कड़की और बाहर बारिश शुरू हो गई। वो उस जलती लकड़ी को लेकर ताबूत की तरफ बढ़ने लगी। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मौलवी साहब ने कुछ आयतों को पढ़ना शुरू किया। बंद कर इसे पढ़ना। उसने ताबूत के अंदर आग लगा दी और जोर जोर से हंसने लगी। तभी अंगद ने पास ही बनी खिड़की खोल डाली और उसके जरिए कमरे के अंदर तेज तूफानी हवाएं और बारिश का पानी भी आने लगा।
ताबूत में लगी आग पूरी तरह से बुझ गई। वो तेजी से मौलवी की तरफ झपटना चाहती थी, लेकिन तभी मौलवी साहब बोले, अब वजीफा पूरा पढ़ा जा चुका है, ऐ जिन की दुनिया के पहरेदारों, इसे वापस इसकी दुनिया में ले जाओ, इसके इरादे ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ले जाओ इसे अपनी दुनिया में वापस। ताबूत के अंदर से सफेद रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर सृष्टि के अंदर बसा इफ्रित चीख उठा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। दो लंबे सफेद हाथ ताबूत से बाहर निकले और उन्होंने सृष्टि के कंधों को पकड़ लिया। तभी सृष्टि के शरीर से इफ्रित निकल गया और उसका भयानक रूप देखकर वहां सभी डर गए। सृष्टि भी उसे देखकर चीख उठी, पापा! और चीखते हुए अंगद के पास आ गई। अंगद ने उसे गले लगा लिया। उन हाथों ने इफ्रित जिनको ताबूत के अंदर खींच लिया और फिर ताबूत अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। मौलवी साहब, क्या अब वो इस ताबूत के अंदर है? मैंने जो विधि की है उसके जरिए ताबूत के अंदर ही जिन लोक का दरवाजा खुल गया था, वो अब इस ताबूत के जरिए अपने लोक में वापस पहुंच गया है। बस अब एक महीने से पहले कोई इस ताबूत को ना खोले, वरना वो फिर से वापस आ सकता है। वो सभी अब उस कोठी के बाहर आ गए। मौलवी साहब ने दोबारा उसके दरवाजे पर रक्षा सूत्र धागों के साथ साथ इस बार एक ताला भी लगा दिया। और फिर अगले दिन ही अंगद अपने परिवार को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। सृष्टि अब ठीक हो चुकी है, लेकिन उस जिन का खौफनाक चेहरा शायद वो कभी भूल नहीं पाएगी। और वो ताबूत रात के समय शोर करने लगता है। इस ताबूत को जो भी खोलेगा, मैं उसे माला माल कर दूंगा, माला माल कर दूंगा। अश्मित और संजना की शादी को 8 महीने गुजर चुके थे। दोनों बहुत खुश थे और जल्द ही उन्हें घर में बेबी के आने का इंतजार था। इस टाइम अश्मित संजना को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन एक रात, रेनू डार्लिंग, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे एक हफ्ते के लिए अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए एक मेड छोड़ जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं मेरी फ्रेंड रिया को बुला लूंगी, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी। गुड, उसको ही बुला लेना, बस 7 दिन की तो बात है। अगली सुबह अश्मित दिल्ली चला गया और संजना ने रिया को कॉल लगाया। रिया, क्या तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ सकती है? अश्मित को जरूरी काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा और मैं इस टाइम अकेले नहीं रह सकती। हाँ हाँ, पता है, तेरा 8वां महीना चल रहा है, तू बस आज अकेले मैनेज कर ले, मैं कल आती हूँ, ठीक है? उस दिन संजना ने अपने लिए खाना बनाने का काम किया। रात को जब वो सोने के लिए बेड पर गई, तो उसको हॉल में किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात में कौन हो सकता है? वो धीमे कदमों के साथ रूम से बाहर निकली। कोई है? तभी किसी ने पीछे से उसको गले लगा लिया और वो एकदम से चौंक पड़ी। कौन है? कहकर उसने जैसे ही पीछे देखा तो वो अश्मित ही था। अरे, आप तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना? हाँ, आने वाला तो था, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया और आ गया। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसे अचानक से आ गए ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम्हें सरप्राइज दे रहा था। कहते हुए उसने संजना को गोद में उठाया और कमरे में लेकर चला गया। फिर उसको बेड पर लेटाकर उसके करीब चला गया। संजना को उसका ये बिहेवियर अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। उठ जाइए अश्मित, आपको ऑफिस के लिए तैयार भी होना है। अरे नहीं, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इस हालत में तुम्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। आप कब से काम को लेकर इतने केयरलेस हो गए? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरी फ्रेंड रिया आ रही है मेरा ध्यान रखने के लिए। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ।
उस दिन उसने संजना का बहुत ध्यान रखा, उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। संजना को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने अश्मित को इतना ओवर रोमांटिक नहीं देखा था। संजना, मुझे 9 बजे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वैसे तो आपने मुझे पूरे दिन अकेला नहीं छोड़ा, अब 9 बजे कौन सा काम आ पड़ा? है कोई काम, मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, कहकर उसने थोड़ी देर और संजना से प्यार भरी बातें की और फिर 9 बजे से पहले ही वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही रिया वहां आई। सॉरी यार, एक जरूरी काम आ गया था, वरना मैं सुबह से ही आ जाती। तुझे ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं यार, कोई परेशानी नहीं हुई। एक्चुअली अश्मित वापस आ गए और पूरे दिन मेरा इतना ध्यान रखा कि बस तुझे क्या ही बताऊं। उसने रिया को सब कुछ बताया कि किस तरह आज अश्मित ने उसका ध्यान रखा। तभी उसके मोबाइल पर अश्मित का कॉल आ गया। बेबी तुम ठीक हो ना? रिया वहां आ गई? माफ करना, मैं पूरे दिन कॉल नहीं कर पाया। ये सुनकर संजना चौंक पड़ी और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो पूरे दिन मेरे साथ ही थे। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो दिल्ली में हूँ। ये सुनकर संजना और रिया दोनों चौंक पड़ी और फिर संजना ने अश्मित को सब कुछ बताया कि कैसे उसी के जैसे दिखने वाला वो दूसरा अश्मित उसके साथ पूरे दिन उसके घर पर रहकर उसका ख्याल रख रहा था। संजना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी वहां के लिए निकल रहा हूँ। अश्मित उसी टाइम दिल्ली से वापस घर के लिए निकल गया। यार संजना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है कि तेरे ऊपर किसी का साया है। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस मैटर में हमारी मदद कर सकती है, कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और पल्लवी नाम की एक औरत को कॉल लगाकर उसे सब कुछ बता दिया। तुम मुझे घर का एड्रेस भेजो, मैं वहीं आकर बात करती हूँ। रिया ने उसको घर का एड्रेस बताकर कॉल काट दी। जैसे ही कॉल कट हुई, अश्मित उनके सामने खड़ा था। क्या बात कर रही थी तू अभी? किसको बुला रही है यहाँ पर? तुम मेरे अश्मित नहीं हो, कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी और उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। तो तुझे पता चल ही गया ना, तो देख ले मेरी असलियत, कहकर वो रिया पर झपट पड़ा। उसकी गर्दन जमीन पर किसी बॉल की तरह लुढ़की और धड़ से खून की धारें छूटने लगी। जब अश्मित वहां पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे। कमरे में पड़ी रिया की लाश को देखकर उसके होश उड़ गए और उसे संजना की फिक्र होने लगी। संजना कहाँ हो तुम, कहाँ चली गई? तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। संजना उसके कब्जे में है। कौन है आप और किसके कब्जे की बात कर रही हैं? संजना पर काले साए का ऊपरी असर है, ये साए किसी पीपल या बरगद के पेड़ पर वास करते हैं और अगर इन्हें कोई स्त्री पसंद आए तो ये उसके आशिक हो जाते हैं। क्या तुम लोग कुछ दिनों पहले किसी पीपल या किसी बरगद के पेड़ के पास रुके थे? हाँ, पिछले हफ्ते हमने बाहर डिनर किया था, आते टाइम बारिश हो गई थी तो हम एक बरगद के पेड़ के नीचे बारिश के रुकने तक खड़े रहे थे। अब तक तो वो संजना को मारकर अपने साथ ले जा चुका होता, लेकिन वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसने उसको अभी तक जिंदा रखा है। प्रेग्नेंट है इसलिए जिंदा रखा, मतलब? ये साए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नवजात शिशु और प्रेग्नेंट औरतों की बलि देते हैं, इसलिए उसने संजना को अपने साथ ले जाने की जगह उसकी बलि देने का फैसला किया होगा, इसलिए उसने अभी तक उसको जिंदा रखा है। लेकिन आज अमावस्या है, अगर आज रात उसने संजना और तुम्हारे बच्चे की बलि दे दी तो वो एक साए से ज्यादा शक्तिशाली होकर एक पिशाच बन जाएगा। तो हम उसे रोक कैसे सकते हैं? संजना को आप कैसे बचाएंगे? तो मुझे अभी उस पेड़ के पास लेकर चलो, हमारे पास सिर्फ 12 बजे तक का ही टाइम है। सुनकर अश्मित ने देरी नहीं की और उसको लेकर वहीं पहुंच गया। संजना जमीन पर बेहोश पड़ी थी, वो साया उसके पास बैठा हुआ मंत्रों का जाप कर रहा था।
अश्मित, एक कैन में कार से पेट्रोल भर लो, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। हे मारका देव, मैं आपको एक नवजात शिशु और एक गर्भवती औरत की बलि चढ़ा रहा हूँ। इसको स्वीकार करके मेरी सिद्धि पूरी कीजिए और मुझे एक शक्तिशाली पिशाच बना दीजिए। ऐसा कहकर उसने एक चाकू उठाया और वो संजना के पेट में मारने ही वाला था कि अश्मित उस पर झपट पड़ा और चाकू दूर जा गिरा। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। तेरी इतनी हिम्मत, कहकर वो अश्मित की तरफ झपटा। ये सुनकर संजना को होश आ गया। अब पल्लवी ने जल्दी से पेट्रोल की कैन उठाई और उस पेड़ के चारों तरफ उसको छिड़कने लगी। ये देख उसने अश्मित को छोड़ा और पल्लवी की तरफ भागा। तभी अश्मित ने पॉकेट से लाइटर निकाला और जलाकर पेड़ की तरफ फेंक दिया। लाइटर उसके पहुंचने से पहले पेड़ तक पहुंचा और पेड़ में आग लग गई। ऐसा होते ही उस साये की शक्तियां खत्म होने लगी और वो चीखने चिल्लाने लगा। तुम मारका देव को बलि नहीं दे पाए, अब तुम्हारी पिछली शक्तियां भी तुमसे छीन ली जाएंगी। तभी उस साये के अंदर भी आग लग गई और वो वहीं भस्म हो गया। अश्मित ने संजना को कस के गले लगा लिया। पल्लवी उन दोनों को सही सलामत देखकर खुश थी और मुस्कुरा रही थी।